गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग के साथ। तो मैं नए व्लॉग के साथ आपके सामने, और नया व्लॉग में मैं आपको कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों ने पूछा था, तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ जी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। अगर ए जेड में जाऊंगा, ए जेड के लिए थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मेरी स्कूल से बात हो चुकी है, तो वो वहाँ मैं जाऊँगा नेक्स्ट वीक तक। तो अभी मैं सिर्फ जी की बात करूँगा। जी वन में एक बार याद रखिएगा, जिनके पास घर का जो है, घर से मुराद ये होम कंट्री इंडिया है, पाकिस्तान या किसी भी यूएई से आते हैं अगर, तो उनका पास और ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है, तो आपको G1 से G2 जाने के लिए 9 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेट अवे आप जाके थ्योरी करने के बाद G1 से G2 दे सकते हैं। चलें जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको फर्दर डिटेल्स आप बताऊँगा। सो ओके जी, सफ़र स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 16 मिनट की ड्राइव है, 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर हमने जाना है ड्राइव टेस्ट सेंटर में। एक्चुअली मैंने नहीं देना ड्राइव टेस्ट में, ड्राइव नहीं देना, वो थोड़ा सा मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। मैंने नहीं देना, मेरा जो है अभी एयर ब्रेक की है ट्रक्स की, तो एयर नॉलेज टेस्ट होता है अगर आपने ट्रक सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रकिंग का लाइसेंस होता है ना, उसमें जब एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए आपको पहले एयर ब्रेक करनी पड़ती है। एयर ब्रेक जो है आप स्कूल से भी कर सकते हैं, उसकी प्राइस जो है 200 से 300 तक होती है, डॉलर्स तक होती है, और आपको एयर ब्रेक करनी पड़ती है। उसके बाद एयर नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, तो एयर नॉलेज टेस्ट भी देना है, और साथ में जो है मैं आपको वहाँ पहुँच के फर्दर डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो जी ये हम लोग ड्राइव टेस्ट सेंटर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये मिसिसागा के अंदर है, मिसिसागा में और भी हैं लेकिन जो मुझे पता है मैं यहाँ आया हूँ। जी ये तो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये सामने जो आपको सारी लाइंस दिख रही हैं सामने वाली साइड पे, ये वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे आके लोग टेस्ट देते हैं। यहाँ अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आ सकते हैं, और आप जो है ये पूरी लाइन्स लगी हैं 31 तक हैं, यहाँ पे आपका जो है पूरा टेस्ट होता है। यहाँ पे मतलब अंदर से वो इंस्ट्रक्टर सामने देखें आ रहा है, ब्लू कलर में वो इंस्ट्रक्टर है, वो आएगा और आपको गाड़ी चेक करेगा, और उसके बाद में आपको फर्दर डिटेल्स जो है आपको बताता हूँ। ये इंस्ट्रक्टर एरोप्लेन, ये ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है, तो यहाँ पे सब लोग आके G1, G2 और G का जो है ना यहाँ पे आके टेस्ट देते हैं। यहाँ G1 ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो नंबरिंग चल रही है ऑलरेडी। जी भाई, आपने अंदर की सिचुएशन भी देख ली, और राइट नाउ ये मैं रूल्स एंड साइंस से हो गया हूँ पास। खैर आई मेरी स्टोरी टोटली डिफरेंट थी कि मेरे लाइसेंस को सबमिट किए हुए 5 साल हो चुके थे एक्सपायर होने के बाद, जो एक्सपायर होने से पहले पहले मैंने इसको एयर ब्रेक्स और एयर जनरल टेस्ट किया। ये मेरी एक दूसरी कहानी है, इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इसके ऊपर, जो G1, G2 और G है, ये मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को, ये ड्राइव टेस्ट तो आपने देख लिया, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं पास हो गया, वो हो गया। अभी ये होता है, ये ड्राइव टेस्ट में आपको करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे आते हैं तो आप विजिट वीज़े पे भी हैं ओंटारियो के अंदर, तो आप लोग इसको लाइसेंस को ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं और आईवी लाइसेंस भी ले सकते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ, ट्रक्स गाड़ियाँ आके लाइन पर लग रही हैं। उसका आसान तरीका ये है कि ये आपकी फ़ीस होती है $106 फर्स्ट टाइम, ठीक है। और आप यहाँ पे आएंगे अपना पासपोर्ट लेके, और आपका पुराना जो होम कंट्री का एक्सपीरियंस है वो लेटर लेके आएंगे या वो लाइसेंस लेके आएंगे। जैसे हमारा यूएई का है तो हम लोग ऑनलाइन ही उसको निकाल लेते हैं आरटीए से, 120 दिरहम्स लगते हैं यूएई का, वो ऑनलाइन ही हमारा डेटा निकल आता है, वो यहाँ आके सबमिट करते हैं। तो उसमें आप आके यहाँ पर G1 के लिए और G2 के लिए भी कर सकते हैं, G2 और G इकट्ठा हो सकता है आपका, ठीक है। वो गट्ठा एक ही दिन में हाईवेज़ और जो दूसरा क्या कहते हैं हाईवे होता है, और साथ में सिटी के अंदर वो दौरा गट्ठा हो जाता है G2 और G।
सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं G1। G1 होता है थ्योरी, उसके होते हैं दो ऑप्शंस, दो होते हैं, एक होता है 30 सवाल्स होते हैं, 30 सवाल्स, और 30 सवाल्स के ऊपर जो है आप आके उसमें से आपको 24 का ओके होना ज़रूरी है, ठीक है। ये होता है 24 आपका होना बहुत ज़रूरी है, पास होंगे तभी। और दूसरे में तो होते हैं साइंस, होते हैं साइंस में से 20 में से आपको 16 ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका वो जो है वो आप क्लियर करते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, अगर पहली दफ़ा ही बंदा पास हो जाता है, अगर बाई चांस पहली दफ़ा कोई फेल भी हो गया, ठीक है, अगर पहली दफ़ा कोई फेल भी हो जाता है तो वो मसला नहीं है, इसलिए कि दूसरी दफ़ा वही 80% वही सवाल आते हैं। अभी लड़का ही था, एक फेल होगा, दोबारा उसने दिया, दोबारा पास हुआ, तो मैंने पूछा उससे तो वो कहता है भाई दोबारा वही सवाल थे, तकरीबन 80-85% वही थे, तो ऐसा मसला नहीं है, बहुत इजीली पास हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट आपका लग गया $106 और आप पास हो गए। पास होने के बाद आपने G2 करना है सिटी के अंदर, या G दोनों इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं, वो लेते हैं पर आवर आपसे $35 से $45 तक चार्ज होते हैं पर आवर के, तो आप 3-4 क्लासेस ले लें तो आप वो भी ईजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आता है, आप पास हो गए, पास होने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो लेंस लगी हैं, ठीक है, इस लेंस पे आ जाएं, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करें, कोई भी अपनी गाड़ी ले आएँ या ड्राइविंग स्कूल वाले की गाड़ी ले आएँ, ड्राइविंग स्कूल वाला आपको चार्ज कर देगा $150 से $200 तक आपको चार्ज कर सकता है। अगर आप किसी जानने वाले की गाड़ी ले आएंगे तो ये यहाँ पे आके पहले वो लाइट्स देखें, वो सामने लाइट्स चेक करता है, हॉर्न चेक करता है, इंडिकेटर चेक करता है, गाड़ी को चेक करता है, ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, ये इसके पीछे बंदा लगा हुआ है, तो ये पूरा फील्ड है। ये तकरीबन आप सोचें कि जी लाइसेंस के ऊपर तकरीबन जो आपका एक्सपेंस सारा मिल मिला के आपका आ जाता है $500 तक, आप जी आराम से पास कर जाते हो। इसमें कोई आ गया, G1 भी आ गया, G2 भी आ गया, और जी हाईवे भी आ गया, फिर $500-$600 तक आराम से कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ फिर भी आराम से इतने पैसों में आप कर सकते हैं। तो तकरीबन आपको यहाँ पे सुबह सुबह आना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी लंबी लाइंस होती हैं, सुबह सुबह आप आ जाएँ, 7 बजे आ जाएँ तो आप क्विकली 1 घंटे के अंदर अंदर फार हो जाते हैं। जैसे मैं आया हूँ, मैं लेट आया हूँ, मुझे तकरीबन 3 घंटे लग गए लाइंस में करते कराते, और तकरीबन यही है, इजी है ड्राइव टेस्ट, कोई यहाँ मुश्किल नहीं है। UAE में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा, यहाँ पे इजी है, आप जी का लाइसेंस बहुत इजी है, और AZ भी इजी है। AZ की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्कूल के साथ, मेरी स्कूल वालों से बात हो चुकी है, अभी जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर मैं आप स्कूल का भी जो है बनाऊँगा, ठीक है। इसके मतलब आप कुछ भी पूछना मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको लिख के भी बता दूँगा, और फाइनल में आपको मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर लिख के भी बता दूँ ताकि आप इजीली आपको पता चल जाए। विजिट वीज़े पे ओंटारियो के अंदर आप जी लाइसेंस भी ले सकते हैं और AZ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, काफ़ी हो गई है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा ट्रक के ऊपर AZ का पूरा डिटेल आपको बता दूँ, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय।